हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आयशा है एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं एक पॉकेट पराठा। अभी यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप्स ऑफ व्हीट फ्लावर, सॉल्ट एंड पानी एज़ पर रिक्वायर्ड, एंड आटे को अच्छे से गूंद लीजिएगा। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके आटे को गूंद लीजिए एंड कंसिस्टेंसी आटे की मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा भी सॉफ्ट या ज़्यादा भी पानी मत ऐड कर दीजिएगा। देखिए ऐसे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छे से उसको गूंद कर साइड में रख दीजिए। अभी एग स्टफिंग के लिए 4 अंडे एंड उसके साथ 1/2 स्पून चिली पाउडर, 1/4 स्पून ऑफ सॉल्ट अब मैं ऐड करूँगी एंड 1/4 स्पून ऑफ पेपर पाउडर। अभी इन तीनों चीज़ों को अच्छे से अंडे के साथ मिक्स कर दीजिए एंड प्लीज़ गाइस, घर पर सेफ रहिए एंड बाहर मत जाइए। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कैसे बनी थी। अभी यहाँ पर हम कुकिंग प्रोसेस पे चलेंगे। नेक्स्ट, अंडे को अच्छे से फेंट कर साइड में रखने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है 2 स्पून्स ऑफ ऑयल। यहाँ पर 1 ऑनियन मैंने चॉप करके सॉटे कर रही हूँ, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद पोटैटो ऐड करिए। 2 से 3 पोटैटोस पील करके चॉप किया हुआ है मैंने। थोड़ा पोटैटो थोड़ा रंग चेंज का हो जाए उसका, लाइक थोड़ा ब्राउनिश हो जाए, तो 1/2 स्पून सॉल्ट ऐड करके उसके साथ ही आप 1 चॉप टमाटो ऐड करके अच्छे से उसको सॉटे कर दीजिए। आलू और टमाटर दोनों साथ में अच्छे से कुक हो जाए, थोड़ी देर लिड कवर करके कुक कर दीजिए 2 से 3 मिनट तक, जब तक वो सब सॉफ्ट ना हो जाए सारे वेजिटेबल्स। ठीक है, देखिए अच्छे से सॉटे करिए, बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि वो जल ना जाए। अभी हम ऐड करने वाले हैं जो अंडे का मिक्सचर था वो हम ऐड करने वाले हैं। अभी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिला दीजिए। अभी हम ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसेस, थोड़ी हल्दी 1/4 स्पून एंड 1/4 स्पून चिली पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए अंडे और वेजिटेबल्स के साथ। 1 से 2 मिनट पकने रखिए ताकि अंडे के साथ ये पक जाए मसालों के साथ, एंड गार्निश किया है कोरिएंडर के साथ। उसके बाद मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है मैंने यहाँ पर, उसमें मैं ले रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून जो एग स्टफिंग हमने की है वो एग स्टफिंग मैं यहाँ पर ऐड करूँगी एंड ऐसे सील कर दूंगी पूरे पराठे को चारों तरफ से। प्लीज़ मेरा प्रोसीजर फॉलो करिएगा, ज़्यादा प्रेस मत करिए। उसके बाद एक गरम तवे पे तेल अप्लाई करके इसको अच्छे से सेक कीजिए पराठे को, एंड ऑयल अच्छे से अप्लाई करिएगा पकते समय एंड अच्छे से कुक कर दीजिए। देखिए रेडी है पॉकेट पराठा, बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।